हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक FMCG सेक्टर के शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कराएगा। इस शेयर के कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो बात करेंगे, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे, कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं उन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे, और साथ में कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हुए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पे मिल सके। दोस्तों, अगर बात करें डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो अगर कंपनी के शेयर प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो तकरीबन 486.80 रुपये के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस आपको अभी हाल फिलहाल में नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं कंपनी की आज की जो रैली गई है, तो 0.40 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तेज़ी में एप्रिसिएशन नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी की बात करूँ तो 0.031% की तेज़ी आज इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं आज की डेट में जो शेयर गया, वो देख सकते हैं किस तरीके से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में जब मार्केट ओपन हुआ तो नीचे था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया इस वाले पॉइंट पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अभी यहाँ पे ऊपर जा करके थोड़ा सा नीचे आने की यहाँ पर ये ट्राई कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों, पिछले 5 दिनों के चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एप्रिसिएशन की बजाय आपको डेप्रिसिएशन नज़र आएगा। रीज़न बता देता हूँ, 5 दिन पहले शेयर की कीमत तकरीबन 491.40 रुपये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बताई जा रही थी, और आज की डेट में शेयर की कीमत आप देख सकते हैं 486.55 रुपये के आसपास बताई जा रही है, जैसा कि आप चार्ट पैटर्न के अंदर बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा उछाल इस वाले पॉइंट पर आया, जब इस शेयर की कीमत 496.40 रुपये हो गई थी, और सबसे ज़्यादा गिरावट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे आपको देखने को मिला 480.65 रुपये, जब इस शेयर की कीमत हो गई थी, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर किस तरीके से, आप यहां पे देख सकते हैं 1 महीने के चार्ट पैटर्न के बारे में, 1 महीने का जो चार्ट पैटर्न है, 1 महीने के अंदर भी ये डेप्रिसिएशन में ही नज़र आ रहा है आपको। लेकिन यहां पे बता दें कि 1 महीने पहले शेयर की कीमत 508 रुपये के आसपास थी, और यहां पे आज के दिन में जो इस शेयर की कीमत है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि शेयर की कीमत 486.80 रुपये के आसपास बता रही है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली। 5 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा उछाल जो गया था वो इस वाले पॉइंट पर गया था, 513 रुपये हो गए थे जब इस शेयर की कीमत, और सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 474.60 रुपये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली इस शेयर की कीमत थी, और यह दिन था 31 अगस्त का। वहीं अगर दोस्तों बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आपको ये बताएगा कि ये शेयर थोड़ा सा एप्रिसिएशन में ज़रूर नज़र आएगा। मार्च के महीने से अगर मैं बात करूँ तो मार्च के महीने में आपको बताया है लॉकडाउन हुआ था, COVID-19 आया था, और उसी तरीके से आप देखेंगे 25 और 24 मार्च के दिन, जब 23 मार्च के दिन यहाँ पर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई थी, उस समय पर इस शेयर की कीमत 396.05 रुपये हो गई थी। लेकिन उसके बाद कभी भी इस शेयर की कीमत 300 को टच नहीं किया, 300 से ऊपर ही रही, 400 से ऊपर रही, इवन अगर आप देखेंगे इस वाली जगह पे 477 रुपये, इस तरीके से कई कई बार लॉकडाउन के अंदर 500 को भी कवर किया है, और यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में फिर ये कभी भी 400 के नीचे तो कभी भी नहीं गया, जैसा कि आप इस चार्ट पैटर्न को देख करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वहीं अगर दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 31 जुलाई के दिन आप देखेंगे तो ये शेयर की कीमत तकरीबन 513 रुपये के आसपास हो गई थी। और दोस्तों अगर बात करते हैं 6 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा उछाल कौन से पॉइंट पे आया, कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 6 महीने के अंदर इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा गिरावट है, 396 रुपये के आसपास इस शेयर की कीमत थी, और सबसे ज़्यादा उछाल की अगर मैं बात करूँ तो वो देखने को मिल रहा है आपको इस वाले पॉइंट पर, जब इस शेयर की कीमत हो गई थी 513 रुपये के आसपास, जैसा कि आप इस चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो है 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा ओवरऑल चार्ट पैटर्न की, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से पता चलेगा थ्रू आउट द ईयर हर 3 साल के अंदर कंपनी किस तरीके से रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करा रही है। अब 2000 से बात करना स्टार्ट करते हैं, सन 2002 के अंदर जब इस शेयर की कीमत 10 रुपये के आसपास थी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2005 के अंदर की अगर बात करें तो इस शेयर की कीमत 16 रुपये के आसपास हो गई, यानी कि तकरीबन 60% का रिटर्न आपको देखने को मिला 2002 से लेकर के 2005 के बीच में, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब 2005 से लेकर के अगर बात करें 2008 तक
तीन साल के गैप में कब कंपनी ने कितना प्रमोशन किया और कितने परसेंट का रिटर्न दिया। अभी देखिए 16 रुपये के आसपास थी इस शेयर की कीमत और अब 50 रुपये के आसपास हो गई तीन साल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 2008 से लेकर के 2011 तक, 2011 में 50 रुपये 80 पैसे दिखाई दे रहा है, 2011 की अगर बात करेंगे तो 2011 में तकरीबन 100 रुपये के आसपास ये शेयर जा रहा था, यानी 98 रुपये के आसपास ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है 2011 के अंदर। वहीं अगर 2014 की अगर बात करूं तो आप देखेंगे ये शेयर तकरीबन अपने से डबल का बेनिफिट दे रहा है, यानी 173 रुपये के आसपास पहुंच गया। और 2014 से लेकर के 2017 की अगर बात करेंगे तो हर साल के अंदर इसने ग्रोथ दर्ज करी है, तकरीबन डबल का हो गया ये शेयर, यानी कि आज की डेट में अगर आप इस शेयर को 400 रुपये में खरीदते हैं तो तीन साल के बाद जब इस शेयर को बेचेंगे तो तकरीबन 800 रुपये के आसपास इस शेयर की कीमत होगी। ये हमें चार्ट पैटर्न साफ तौर पर दिखाता है, चार्ट पैटर्न साफ तौर पे बता रहा है। अब 2017 से अगर मैं बात करूं तो 200 रुपए के आसपास ये शेयर था, 200-250 के आसपास, और 2020 जब चल रहा है तो 2020 के अंदर इस शेयर की कीमत आप देख सकते हैं 500 रुपये प्लस हो गई है। और अगर आप 500 रुपये के प्लस में अगर आज की डेट में खरीदते हैं और तीन साल का वेट करते हैं तो डेफिनेटली 1000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट आपको ये देकर के जाएगा, 1000 रुपये से ऊपर ये शेयर निकल जाएगा, जैसा कि आप चार्ट पैटर्न के अंदर देख सकते हैं। और ये FMCG का लीडिंग कंपनी FMCG सेक्टर के अंदर के लीड करती है, HUL तो है ये, साथ के साथ में डाबर इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपके घर में होते हैं, जैसे कि डाबर का हनी होता है, डाबर का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डाबर इंडिया से निकल के आ रहे हैं और आप उनको डेली बेसिस पे अपने घर के अंदर भी यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो रही बात चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न देख करके आपको ये पता चलता है कि शेयर को थोड़ा सा होल्ड करके रखना होगा, एक साल, दो साल, तीन साल तकरीबन। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप यहां देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू 12% से नीचे आ गया अभी फिलहाल के लिए, और कंपनी के नेट इनकम की अगर मैं बात करूं तो 5% से वो भी नीचे आ गई है। साथ के साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 8% से ऊपर जा रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैश कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 12.73% से ऊपर नीचे की ओर जा रहा है, जैसा कि आप इस चार्ट पैटर्न को देख करके बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बहरहाल दोस्तों कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ चल रही हैं, उन न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो FMCG सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनको सीधे तौर पे बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले कुछ समय में। रीज़न बता देता हूँ, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और फेस्टिव सीजन में लोग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते हैं उसके बाद में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से कंपनी को बेनिफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज़ आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीके से। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंपनी से रिलेटेड जो टारगेट है, एक हफ्ते के अंदर जो टारगेट होगा कंपनी का वो होगा भैया 530 रुपये के आसपास, जैसा कि मुझे लग रहा है, मुझे प्रेडिक्शन हो रही है कि इस टाइम पे कंपनी का जो एक हफ्ते के अंदर जो शेयर हो जाएगा तकरीबन 530 रुपये को क्रॉस कर जाएगा आने वाले एक हफ्ते के बाद में। मैं दोबारा से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं प्रूफ कर दूँगा आपको कि ये शेयर 530 रुपये से ऊपर निकलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।